दिल्ली पुलिस की IFSO यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड ट्रांसडिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन यूनिट ने सोमवार को यानी 27 जून 2022 को ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसने सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए आरोप लगाया था कि जुबैर ने उन्हें चोट पहुंचाई है। उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके बाद से वो अब जेल में है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर किसी न किसी विवाद को लेकर शिकंजा कसता ही जा रहा है। बता दें कि हाल ही में जुबैर की बैंक डिटेल्स चेक की गई थी, जिसमें पता चला कि उन्होंने बैंक में खाते में करीब 4000 से ज्यादा लोगों ने 55 लाख रुपए भेजे हैं। जी हाँ, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये खुलासा होते ही पुलिस ने जांच संज्ञान में ले लिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पैसे भेजने वाले लोग कौन है और कहाँ कहाँ से पैसा भेजा गया है। वही स्पेशल सेल की IFSO से पता चला कि मोहम्मद जुबैर के एक बैंक में खाता पैसे UPI ई वॉलेट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भेजे गए हैं। IFSO के अधिकारी ने बताया कि ऑल्ट न्यूज के संस्थापक ऑल्ट न्यूज के वेबसाइट पर एक पेज बना रखा है। इस पेज पर लोगों से डोनेशन की मांग की जा रही है। वेबसाइट पर यह भी लिखा हुआ है कि जो डोनेशन देगा उस राशि पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दिल्ली पुलिस उन बैंक के खातों की जाँच कर रही है कि जिसने उनके बैंक खाते में पैसा आया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास सबूत है कि पिछले 3 महीनों से 50 लाख रुपयों की राशि की लेन देन एक खाते में किया गया था। हम कई बैंकों से खाते किए गए लेन देन का विश्लेषण कर रहे हैं। वही जांच के सिलसिले में जुबैर को अब बेंगलुरु ले जाया गया है। फिलहाल वो अभी गिरफ्त में है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बाकी आप क्या कहेंगे इन पैसों को लेकर, आप हमें जरूर बताएं।